दैट एयरवेज वालों, आपकी संपत्ति हमारे पास में है। हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आल्सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आओ मम्मा। तो गाइस, आप लोग भी सोच रहे होगे कि मैंने ये गुब्बारे क्यों लगाए हुए हैं, और मम्मी को भी नहीं पता कि यहाँ पे हमने इसको क्यों लगाया हुआ है। तो मम्मी, मैं आपको बताती हूँ कि आज का जो चैलेंज है, वैसे तो आप लोगों को टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा, पर मम्मी को बता देती हूँ। मम्मी, आज का चैलेंज ये है कि अपन लेंगे कुछ फोर्क्स, ठीक है? अपन फोर्क लेंगे बारी, अब दोनों के एक बार चांस आती रहेगी। अपने को, आपको चार बार और मेरे को चार बार फोड़ना है, एक बचाव रहेगा बलून, ठीक है? आपको चार बार फोड़ना है, मेरे को चार बार फोड़ना है, क्या पर इसमें ये अपन ने ये बलून्स लगाए हैं, इन सारे बलून्स के अंदर है एक एक चिट, नौ के नौ बलून्स के अंदर है एक एक चिट, नौ के नौ बलून्स में लिखे हुए एक एक डेयर। तो जितने भी डेयर्स, मतलब चार बार आप और चार बार मैं, सब में डेयर्स है, कोई अपने पास में लाइफ लाइन का ऑप्शन नहीं, जैसे पहले होता था कि लाइफ लाइन आ गई तो चलो बच गए अपन। इसमें ऐसा है कि चारों के चारों बार अपन को डेयर करने ही है, ये है। तो अब अपने पास में वो तो है नहीं जिससे मारते हैं, वो जो भी होता है, तो अपन फोर्क लेंगे और अपन फोर्क से ऐसे करके मारेंगे। अच्छा, ठीक है, करेगी क्या? हाँ, फोर्क का फोर्क इसलिए मैं लेके आई। गाइस, ऐसा होगा कि मम्मी को एक ना एक तो फोड़ना ही है, एक चांस मिला, जब तक मम्मी एक फोड़ेंगी नहीं एक गुब्बारा, तब तक मेरे पे वो आएगी नहीं चांस, ठीक है? और जब तक मैं एक नहीं फोड़ूंगी, तब तक आपके ऊपर चांस नहीं आएगी, ठीक है? मतलब तो एक, मतलब फोड़ना ही फोड़ना है कोई ना, क्योंकि अपने को डेयर करना है, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हाँ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। लो गाइस, मैं फोड़ने जा रही हूँ ना, वन टाइम में या थ्री टाइम में देखते हैं। स्पीक ए टू जी अल्फाबेट्स इन बैकवर्ड्स, ए टू जी अल्फाबेट्स को मेरे को बैकवर्ड बोलना है, ए से लेके जी तक ना, ए मेरे को आती नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी एफ की ये आता है, जी नहीं एफ ही आता है, जी एफ ई डी सी बी ए। मम्मी तो खुश हो रही है, मम्मी खुश हो रही है, चला अल्फाबेट सिखाया वो कुछ तो काम आ रहा है, एबीसीडी तो सिखाई अच्छे से इसको कम से कम। एबीसीडी किसने सिखाई, इसलिए तू रिवर्स बोल सकती है। मम्मी ने सिखाई भाई रे, पहले तो मैंने सोचा कि ए टू जेड रख लेते हैं, फिर मैंने मम्मी का दिमाग में रखा, मैंने कहा क्या पता मम्मा बोल पाए ना बोल पाए। अच्छा, ऊपर बोले के बाद फूट गया जी, फूट गया। आपके आया है मेक अ टावर विद प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक ग्लास पड़ा है न्यूज डिस्पोजल, तो उससे आपको एसेस करेंगे। गाइस, अभी हम बनाने जा रहे हैं ग्लास का जो टावर है वो बनाने जा रहे हैं हम लोग। प्लास्टिक के तो ग्लास नहीं थे घर पे, बट पेपर के ग्लास थे, तो भी पेपर के ग्लास से बना लेते हैं। मम्मी मम्मी को बनाना है एक्चुअली, और मम्मी गिरना नहीं चाहिए एक बार भी, अगर एक बार गिरा तो आपको पूरा तोड़ के वापस बनाने पड़ेंगे। भी नहीं रहा, तो वो प्लास्टिक वाले होते हैं ना, वो पंखे की आवाज से उड़ के गिर जाते हैं, ये गिर नहीं रहे। तो गाइस, मम्मी ने ग्लास का टावर बना लिया है, और अब मेरी चांस है, फोड़ती हूँ मैं। चलो गाइस, इसको पढ़ के देखते हैं अपन कि ये क्या कह रहा है। डांस टू योर फेवरेट सॉन्ग विदाउट एक्चुअली प्लेइंग द सॉन्ग, मतलब गाने को बिना बजाए नाचना है, गाने को बजाना नहीं पर फिर भी नाचना है, बिना बजाए गाने को नाचना है। फिर कौन सा गाएगी, कौन सा डांस करेगी, कौन सा करूँगी, मेरा फेवरेट डांस ऐसा तो कोई है नहीं। गाइस, अभी रिसेंट में मतलब ऐसा कोई, मतलब सॉन्ग तो मेरे बहुत सारे फेवरेट्स हैं, डांस ऐसा सच कोई किसी गाने के ऊपर मेरा ऐसा कुछ ऐसा फेवरेट सा कुछ नहीं है, बट अभी रिसेंट में मेरे को एक याद है वो कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोई दूसरा याद करके या देख के करने की इच्छा नहीं है, तो एक मेरे को ऑलरेडी याद है वो डांस, वो करते हैं, एंड वो गाना भी पंजाबी तो मेरे को पसंद है, तो या लेट्स गो। हाँ जी गाइज, मैंने कर लिया है डांस, मैं एक्चुअली छत पे आई थी, मैंने जरूर छत पे जाके शूट करते, मस्त लाइट वगैरह आ रही, मतलब आज धूप कम है थोड़ी, वो है क्या कहते हैं, बादल वगैरह आ रखे हैं, तो या होप यू गाइज लाइक इट। अब यार बिना गाने के तो समझ में आता क्या बीट है क्या है, मैं तो गाने भूल गई अच्छे तरीके से, मेरे को याद भी नहीं गाना, बट एनीवेज होप यू गाइज लाइक इट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईयर।
आपको अपने जूते पहनते हुए आपको अपने सर पे 3 ग्लास रखने और जूते पहनते हुए 3 ग्लास रखने और 3 ग्लास आपके सर पे नीचे। लो भाई गाइस, हम लोग आ चुके हैं। अब मम्मी शूज पहनेगी। ये जो कप है ये मम्मी के मैं सर पे रख रही हूँ। अब मम्मी आपको उसको सर पे रखे रखे अपने शूज पहने और गिरना नीचे है, वरना आपको दोबारा से जूते खोल के दोबारा से पहनने पड़ेंगे अगर कप गिर गया तो। हाँ मम्मी पहनो। हंसने से तो गिर जाएगा। वापस पहनने पड़ेंगे। वो पहन लिए जी, पहन लिए जूते, पहन लिए मम्मी ने। चलो भाई बढ़िया, हटा लो अब ग्लास। अब गाइस लो, मम्मी ने ये तो कर लिया पूरा ये डेयर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट डेयर की ओर। अब मेरी चांस बताने क्या आएगा। जेट एयरवेज लिखा है इस पे। फ्लाइट से चुराई हुई है। फ्लाइट से चुराई हुई है ये। जेट एयरवेज वालों आपकी संपत्ति हमारे पास में है। वो क्या है, मैगी ली थी हमने तो फिर तो वो देते हैं साथ में। तो मैगी के साथ फोकती जो हम लोगों ने वो सामान जल्दी जल्दी करे ना। हाँ। तो वो क्या, वो प्लेट से इसमें लग गई हमारे पास। ये कहानी है इसकी। अरे राम, मैं सोचती इसमें क्या लिखा हुआ है, सिस्टम लिखा हुआ है, मतलब क्या फिर जेट एयरवेज लिखा हुआ था इस पे। वाओ, लेट एन आइस क्यूब मेल्ट इन योर हैंड। एक आइस क्यूब लेना पड़ेगा मेरे को, जब तक वो पिघलता नहीं मेरे को उसको अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा। लो भाई गाइस, अपन आ चुके हैं अपने फ्रिज के पास में। अब फ्रिज से अपन निकाल लेते हैं आइस क्यूब की ट्रे और एक आइस क्यूब को हाथ में रखना पड़ेगा। मेरे को अभी भी याद है बचपन में, मम्मी शायद हम लोग फर्स्ट या सेकंड क्लास में थे तब हम लोगों ने ये करा था किसी के तो घर पे, क्या हमने आइस क्यूब ऐसे रखा और उसको पिघलने तक का वेट करा, पूरा हाथ लाल हो गया था हमारा। हाँ मम्मी कह रही तू तो खाती भी फूटती आइस क्यूब। लो भाई गाइस, ले लिया मैंने आइस क्यूब है ना, ये देखो। अब इसको रख लेते हैं, ये जब तक पिघलेगा तब तक रखना पड़ेगा। देखो मैं लाल हो गया पूरा, पिघल गई ना। कर दे डन। चलो भाई गाइस, बस इतनी सी बची है, 2 सेकंड में पिघल जाएगी। तो अपना खत्म हो चुका है यहाँ पे डेयर, अभी हाथ ही काम नहीं करेगा, जम गया पूरा। लो भाई गाइस, मम्मी की चांदा में चश्मा लगा लो। मेरी तो हो गई ना अभी। क्या अभी मेरी तो थी। अच्छा। बर्फ की छिल्ली वाली फोड़ दो। अरे यार कुछ डांस वांस मत करवा देना तो। डांस वांस नहीं, आपको इसमें करना है कि आपको अपनी आंखों को बिना ऐसे झपकाए 1 मिनट तक खोल के रखनी है। ये तो कर। अगर आप झपका दिया तो दोबारा से 1 मिनट करना पड़ेगा। ये तो कर लूंगी मैं। ओके आंखें तो खोल। टाइमिंग स्टार्ट कर दे, टाइमर में स्टार्ट कर देती हूँ। गाइस मेरी जान से चश्मा कहाँ है मेरा। अपने या तो ऐसे चूज वाले कर रहे थे कौन सा फोड़ना है कौन सा फोड़ना है, ऐसे फोड़ते थे। नहीं चलो कोई बात नहीं। ये वाला बहुत खतरनाक है, मेरी मम्मी का तो मम्मी मना ही कर देती कि मैं वो करना ही नहीं है। अब मेरे आया है कि मेरे को स्पिन करना है 10 बार, घूमना है मेरे को। अच्छा। और 10 बार घूमने के बाद में 1 फुट के ऊपर 5 सेकंड के लिए खड़े रहना है ऐसे। तो आराम से हो जाएगी जी। ये लो गाइस मैं घूमती हूँ। 1 2 3 9 10 बस 2 बलून्स बचे गाइस। लास्ट डेयर है, मम्मी का 1 डेयर बाकी है, मेरे 4 डेयर। मेरे 4 डेयर हो चुके हैं, बस मम्मी का 1 बाकी है। तो मम्मी बस ये आपकी टर्न है। अप्लाई मेकअप विदाउट लुकिंग एट मिरर। अच्छा मेकअप करूं। मेकअप करना है बिना कांच में देखे और सही सही करना है। सबसे पहले तो अपन लेके आते हैं लिपस्टिक। लेटर करती हूं बिना देखे करना है। लिपस्टिक लगा लेती हूं और कॉम्पैक्ट लगाने, पहले लिपस्टिक लगा लो। चलो पहले कॉम्पैक्ट लगा लो।
पर इसमें तो कांच है कॉम्पैक्ट में तो बिना देखे। ये लो इसमें क्या कांच है, कहीं मम्मी देख ना ले। दिखाओ इधर। ओके ओके डन डन कॉम्पैक्ट हो गया। अब लो मम्मा लिपस्टिक लगाओ बिना देखे। गाइस मम्मी अब लगाने जा रही है लिपस्टिक। मनीष बिना देखे लगा रही है। 1000 रुपए की लिपस्टिक यार तो लगा लिया। मम्मी आईलाइनर वगैरह लगाती नहीं है कुछ भी, बट ना वो लगाना डिफिकल्ट होता है, ये तो इजी होता है, ये तो फील हो जाता है। आई एम रेडी। देखो गाइस बिना कांच के मैंने मेकअप कर लिया। ओके डन। तो अब मम्मी एक्सपर्ट हो चुकी है मेकअप के अंदर। ओके जी डन, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज चैलेंज वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। और भी मेरे पास में यू नो लाइक चैलेंजेस के आए, लोग ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज चाहते हैं मेरे से, तो मैं फ्यूचर में इसके बारे में सोचूंगी कि अपन क्या क्रिएटिव कर सकते हैं उस ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज के अंदर, उसको अपन और कितना हार्ड बना सकते हैं। तो या इसी साथ में इस वीडियो करते हैं अपन एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय बाय।